सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शहर की सामाजिक संस्था क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ध्वजारोहण के साथ गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5 से पार्षद मुकेश सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बच्चों से कहा कि जिन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलवाई है, हम उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कार्यक्रम में हरियाणा वैदिक स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए और बच्चों की प्रस्तुति ने अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन प्रमोद कटारिया ने अपने संबोधन में बच्चों से कहा कि सभी को देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया था। सभी को देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अपने देश के बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए और सबको इस चीज़ के लिए आजादी है। और भाई ने जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा किया, हम इनके साथ हैं, बढ़ चढ़ के इनके साथ भी। मैं प्रमोद कटारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हमने सेलिब्रेट किया है सोनीपत में यूनिक शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों का आना हुआ, जिसमें जिसकी अध्यक्षता, कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र जैन जी ने की और चीफ गेस्ट के तौर पर शशिकांत कौशिक जी ने आना था, लेकिन उनके बिहाफ पे भुवन डेवलपर्स के एमडी मुकेश गुप्ता जी पहुँचे और जिसका मंच का संचालन पायल गुप्ता स्टेट कोऑर्डिनेटर ने किया। और हम में भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे।